और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फोर्स की तैनाती का मतलब क्या है सर? जनरल कुलकर्णी सर, आपका जवाब। में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बात जो आप कह रही हैं, ये इसका माने ये है कि तैयारी पूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन को इस बात का अंदेशा पक्का होगा और गलवान में जो घटना घटी उसके बाद और जिस तरीके से उसको मार पड़ी उससे इस बात का उसको भी अंदेशा है कि हिंदुस्तान के साथ हम छेड़ाखानी नहीं कर सकते। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, ये फौज पे छोड़ देना चाहिए, कितने लाने हैं, क्या करने हैं। मैं आपको, आपके चैनल द्वारा सबको, जितने भी करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भरोसा कीजिए, आप सिर्फ हौसला अफजाई कीजिए। आप कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, वो फौज के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप बेफिक्र रहे, चाहे वो देपसांग में हो, चाहे डीबीओ में हो, चाहे गलवान में हो, चाहे पंडांगसो में हो, चाहे देवचुक में हो, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहे। चीन भी जानता है और हम लोगों ने कोई इस तरह से कहना नहीं चाहिए कितने डिविजन इधर लगे या कितने डिविजन उनके हैं, कोई नहीं। क्या आपको मालूम है आज की तारीख में साउथ चाइना सी में अमेरिका ने 3,25,000 सैनिक अमेरिका के साउथ चाइना सी में हैं, जापान के हैं, ताइवान के हैं। तकरीबन अमेरिका के 60% शिप्स साउथ चाइना सी में लगे हैं। समझ सकते हैं आप ये क्या हाल है। हम लोग तो जो भी आप कह रहे हैं, तो पहाड़ों में हर हमेशा जो भी इलाके पकड़ता है, टेरेन फेवर्स द डिफेंडर। बेफिक्र बेफिक्र आप रह सकती हैं, इस बात का मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। जनरल कुलकर्णी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के लिए जो आखिरी की दो लाइन आपने बोली है ना, बेफिक्र बेफिक्र और बेफिक्र बोलने से पहले एक बार फिर से दोहरा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जो आपने कंक्लूड किया कि किस तरह से टेरेन और जो तमाम तीनों पैरामीटर्स हैं वहां पर बेफिक्र रहने की जरूरत है, मैं कह रही हूँ जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप उसी पॉइंट को एक बार फिर से उन्हें दोहरा दीजिए। अच्छा, मैं जरूर कहूंगा, जैसे आपने कहा दी थी, अपने जो सैनिक हैं, ये जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में जो भी टेरेन जो है, इट फेवर्स द डिफेंडर, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी ऊंचाई और हाइट पकड़ ली है, आप समझ लो जीत उसी की होगी। और जहां तक हमारे सैनिकों का मनोबल का सवाल है, हमारे लॉजिस्टिक्स का सवाल है, इक्विपमेंट का सवाल है, एक्लिमेटाइजेशन का सवाल है, उसमें कोई चिंता नहीं है। हमारे सैनिक सब तैयार हैं और चीन को इस बात का पूरा अंदेशा है। चीन ने देखा है कि गलवान में उसने धोखा दिया, उसने जिस बर्बरता से जो काम किया और उसका बदला किस तरीके से लिया गया, तो चीन को मालूम है कि हिंदुस्तान के साथ इस तरह से कोई 62 की फौज नहीं है कि धक्का दे दिया। जबरदस्त ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बिल्कुल, ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का न्यू इंडिया है और ये इंडिया चीन पर 21 ही साबित होगा। देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप भारत चीन सीमा विवाद को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कल ही हमने अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में आपको जो भीष्म टैंक है जिसे भारत ने उतार दिया है लद्दाख में, उसकी दुर्लभ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा सेना प्रमुख लद्दाख में थे, 2 दिन लद्दाख में थे और उन्होंने जहां घायल जवानों से मुलाकात की, साथ ही जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनका जायजा लिया, वहां पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया, लद्दाख में जो सेना की मौजूदगी है वो बढ़ाई गई है, साथ ही जो वायुसेना प्रमुख वो भी लद्दाख गए थे, उन्होंने एयरबेस पर तैयारियों का जायजा लिया था। लेकिन इस सबके बीच चीन की साजिश अब देपसांग में देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से जनता के सवाल की बात करते हैं, ताल ठोक के जनता का सवाल। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जनता का सवाल आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर यह है कि रूस 2 से 3 महीने में भारत को रक्षा उपकरण दे सकता है। आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए रशिया गए थे और देखिए रूस को भारत से रक्षा उपकरणों की सूची का इंतजार है और 2 से 3 महीनों में ये उपकरण भारत को दे सकता है रूस। आपको याद होगा चीन इस बात से भी बौखलाया हुआ था, भारत के खिलाफ इसे लेकर भी उसने प्रोपेगेंडा चलाया था। तो बड़ी खबर, सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि रूस को भारत से रक्षा उपकरणों की सूची का इंतजार है। सोर्सेज बता रहे हैं 2 से 3 महीनों में रक्षा उपकरण सौंपे जा सकते हैं रूस के द्वारा। अब जल्दी से
सवाल ठोक के जनता का दूसरा सवाल आपको दिखा देते हैं, और दूसरा सवाल जनता का यही कि अक्साई चीन को लेकर, चीन में जो बौखलाहट है, क्या इसीलिए चीन ने कई मोर्चे खोल दिए हैं? जनरल बख्शी, इसमें कोई शक नहीं है कि अक्साई चीन जो है हमारा विवादित हिस्सा है बॉर्डर का, और क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपनी जो मेन हाईवे है बीजिंग से लासा तक का वो बनाया हुआ है, और इसको वापस क्लेम करना इस तरह हो गया है कि ये हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गई है, और जो 370 था वो हट गया है कश्मीर, और पीओके और जो अधिकृत एरिया है पीओके का जो कि चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने भी, ये सब इलाका अगल बगल का है, इसलिए ये विवादित है और हमारी सिचुएशन जो है और स्ट्रांग हो रही है, और हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ा रहे हैं, इस कारण से वो और पशुपेश में है चाइना। तो चाइना पशुपेश में, जल्दी से अपने दर्शकों को हम अक्साई चीन का इतिहास भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए इस इतिहास को समझना जरूरी है। देखिए, हम तमाम एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ये बताने कि मौजूदा हालात क्या है, लेकिन इतिहास यहाँ तक ये नौबत आई क्यों, जल्दी से समझिए। 1947 से पहले कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था अक्साई चीन। उस समय राजा कौन थे आपको याद होगा, राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 1947 में विलय का ये समझौता किया था। इस विलय के समझौते का सीधा सा मतलब था कि 1947 में कानूनी तौर पर अक्साई चीन भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन 1947 के बाद चीन ने इसमें घुसपैठ शुरू कर दी, और तत्कालीन जो सरकार थी, नेहरू सरकार थी, उसने चीन की घुसपैठ को रोकने की कोशिश नहीं की। 1957 यानी करीब 10 साल बाद चीन ने वहां पर सड़क बना ली, और 1957 के 5 साल बाद यानी 1962 की जब लड़ाई हुई तो चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। भारत चीन से कब्जा खाली करने को कह चुका है। गृह मंत्री का आपको पार्लियामेंट में बयान भी याद होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर पीओके और साथ ही अक्साई चीन की भी बात करते हैं, ये भारत का हिस्सा। जल्दी से ताल ठोक के जनता का अगला सवाल हम आपको बता देते हैं। जनता का अगला सवाल यही है कि डेप्सांग में चीन की घुसपैठ को क्या अक्साई चीन को बचाने की कोशिश माना जाए? हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट पंचुक सोबदान है। पंचुक सोबदान जी, आप तो बाकायदा वहीं पर ही मौजूद हैं, लद्दाख में ही मौजूद हैं, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। कैसे देखें चीन की तरफ से जो नापाक कोशिश की जा रही है, गुस्ताखी की जा रही है? मुझे तो यह लगता है कि चाइना अभी एक कोई ट्रिक खेल रहा है हम लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाइनीज के जो बॉर्डर नेगोशिएशन, बॉर्डर टैक्टिक्स को मैं उनको अच्छी तरह से पढ़ा हूँ। जब मैं मध्य एशिया में काम करता था तो लास्ट जो बाउंड्री सेटलमेंट हुआ एक कंट्री के साथ जिसका नाम है तजिकिस्तान, वहाँ उन्होंने 28,000 स्क्वायर किलोमीटर पहले मंगा था, बाद में वो थोड़ा सा 3.5 किलोमीटर उसको देना पड़ा चाइना को, और उस पर वो सेटल हो। करते क्या हो, मैक्सिमम क्लेम करते हैं और छोटे पे वो मान जाते हैं। इसका एक पुराना टेक्टिक है चाइना का। तो अभी मुझे ये लगता है कि ये हमको प्रेशर कर रहा है कि अक्साई चीन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को छोड़ दे और लद्दाख को बाउंड्री इशू से अलग कर दे। हमारा भारत और इंडिया का एक बाउंड्री इशू है जो अरुणाचल प्रदेश तक है, वो कहता है लद्दाख वाला पहले पूरे बाउंड्री डिस्प्यूट से इसको अलग कर दो, फिर हम अरुणाचल का बात में करेंगे। ये इसका नया ट्रिक ये खेल रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप अक्साई चीन को छोड़ दिया तो अगले बार वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश को वो मांगेगा। हम तो कोई तजिकिस्तान कंट्री तो है नहीं कि मान जाए या पैसे दे के हम मान जाए। भारत का शक्ति है कि हम डटे रहेंगे, और ये हमें ये बिल्कुल फर्म करना पड़ेगा कि अक्साई चीन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अक्साई चीन को छोड़ दिया तो सिंबोलिकली ये भी कह सकते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो टेरिटरी जो हम अपने मैप पर दिखाते हैं, पहले जम्मू और कश्मीर था, अभी यूनियन टेरिटरी दो हो गए, उस मैप को अगर चीन को हम अक्साई चीन छोड़ दिया तो पश्चिम में हमारा गिलगित बल्तिस्तान पीओके पे को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये उसका एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक में आना नहीं है, हमें डटे रहना है अपने पॉलिसी के ऊपर और डट के खड़ा होना है।